हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैथमेटिक्स में इंटीजर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब कभी भी इंटीजर्स आते हैं तो हमें ये समस्या होती है कि हम उन्हें कब ऐड करें, कब सब्ट्रैक्ट करें, कब कौन सा साइन लगाएं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप इस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इंटीजर्स जब भी आते हैं तो हम किस तरह से उन इंटीजर्स के साथ व्यवहार करें, किस तरह से इंटीजर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करें ताकि हम जो है हमारा जो मैथमेटिकल आंसर है वो गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो इंटीजर्स लिए हैं, प्लस 3 और प्लस 8। यहाँ वही इंटीजर्स अलग अलग साइन के साथ हैं, जो 3 और 8 है, ये नंबर जो है सेम नंबर अलग अलग साइन के साथ है, तो ये इंटीजर्स अलग हो गए हैं। यहाँ प्लस 3 है, यहाँ माइनस 3 इंटीजर है, यहाँ प्लस 3 माइनस 8, इस तरह से। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रूल ये है हमारे पास कि अगर सेम साइन हो तो हम एक्चुअल में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ प्लस 3 प्लस 8, इन दोनों में सेम साइन है, दोनों में ही प्लस साइन है, तो ऐसी स्थिति में हम एक्चुअल में ऐड करेंगे। तो 8 और 3 11, इस तरह से होगा। और सिमिलरली यहाँ जो है माइनस 3 प्लस 8 है, यहाँ अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन है तो एक्चुअल में हम सेपरेट करेंगे। 8 और 3 इनको आपस में सेपरेट करने पर 5 आएगा। और यहाँ देखिए प्लस 3 और माइनस 8 अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन के केस में हम सेपरेट करेंगे। और जब सेम साइन है, माइनस 3 माइनस 8, जब दोनों में सेम साइन है तो हम यहाँ उनको ऐड कर रहे हैं। यहाँ सेम साइन है, ऐड कर रहे हैं, सेम साइन ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइन है इन दो केसेस में, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो रूल हमें देखना है वो ये कि जो रिजल्ट आ रहा है हमारा उसमें साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द टू न्यूमेरिकली लार्जर नंबर। यानी यहाँ जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, साइन कैसे लगेगा, ये साइन डिसाइड होगा कि इन दोनों नंबर्स में से, 3 और 8 में से न्यूमेरिकली लार्जर कौन है। तो न्यूमेरिकली लार्जर नंबर जो है 8 है, तो 8 के अकॉर्डिंग साइन लगेगा। तो यहाँ देखिए 8 का साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भी 8 का साइन प्लस है तो प्लस लगा है, यहाँ 8 का साइन माइनस है तो माइनस लगा है, यहाँ 8 का साइन माइनस तो माइनस लगा है। तो फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में जो साइन लगेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूमेरिकली लार्जर नंबर। तो ये न्यूमेरिकल लार्जर नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ साइन लगाना है। और कब इन्हें ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, इसका रूल ये है कि जब साइन सेम हो तो हम ऐड करेंगे, साइन जब डिफरेंट है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअल सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द टू नंबर्स हैव अपोजिट साइन, और व्हेन दे हैव द सेम साइन वी विल एक्चुअली ऐड द टू नंबर। तो ये तरीका रहेगा। और जो साइन लग रहा है यहाँ पर, वो साइन, दिस साइन विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूमेरिकली लार्जर नंबर। जो सबसे न्यूमेरिकली लार्जर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा न्यूमेरिकली, उसके साइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ साइन लगाना है। तो यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लार्जर नंबर है वो 8 है, और 8 का साइन यहाँ पर माइनस है, सिमिलरली बाकी सब में है। दूसरा देखिए, यही रिजल्ट, यही जो रिजल्ट है वो मैंने फिर से दोबारा यहाँ लिखा है। और यहाँ मैंने जो यहाँ प्लस 3 है, यहाँ मैंने इस प्लस को हटा दिया है। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से लिखा होता है, यहाँ देखिए प्लस 11 है, उसको मैंने केवल 11 लिख दिया है। तो ये जो नंबर है, कोई भी नंबर, उसके पहले अगर कहीं साइन नहीं होता है तो उसे हम ऑटोमेटिकली ही अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पर प्लस का साइन है। तो यहाँ प्लस 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तब भी ये प्लस ही माना जाएगा। और यहाँ भी रिजल्ट में भी जो प्लस लिखा नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, प्लस का ही है। तो यहाँ जब 3 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है कि इस 3 का जो साइन है वो प्लस है, जो यहाँ दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है, लेकिन फिर भी ये यहाँ प्लस ही है। तो यहाँ प्लस 3 है, ये प्लस 8 है, तो इनको ऐड करने पर चूंकि सेम साइन है, प्लस प्लस, इसलिए हम इन्हें एक्चुअल ऐड करेंगे। तो 3 और 8 11 हो गया। और जो यहाँ साइन लगेगा यहाँ पर, वो साइन न्यूमेरिकली लार्जर नंबर जो 8 है उसका लगेगा। तो 8 का साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, और प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो जब लिखा हुआ नहीं हो तो समझना कि वहाँ पर प्लस का साइन है। सिमिलरली यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भी प्लस के साइन हटाए जा सकते हैं वहाँ मैंने उनको हटाया है। यहाँ से प्लस 8, यहाँ प्लस को हटा नहीं सकते क्योंकि इस प्लस को हटाने से ये पता लगेगा नहीं कि माइनस 3 और 8 बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, तो माइनस 38 समझ लेंगे। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है, तो वहाँ पर हमने प्लस के साइन को हटा दिया है, लेकिन वहाँ अंडरस्टूड है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से हम प्लस के साइन को हटा सकते हैं। किसी नंबर के पहले अगर साइन नहीं है तो वहाँ हम उसे प्लस का लेके चलेंगे, प्लस होता है। देखिए यहाँ से भी मैंने प्लस 5, यहाँ प्लस 5 था तो उसमें से प्लस के साइन को मैंने यहाँ रिमूव कर दिया है।
तो अभी यहाँ रिजल्ट देखिए, -3 + 8 अपोजिट साइन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स 8, 3 तो 5, और फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें जो साइन आएगा वो न्यूमेरिकली लार्जर नंबर जो 8 है उसका साइन प्लस प्लस ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ भी अपोजिट है क्योंकि इसका साइन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस और ये माइनस, तो अपोजिट साइन होने से एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया 5, और फिर जो न्यूमेरिकल लार्जर नंबर था 8, दोनों में से न्यूमेरिकली लार्जर नंबर 8 है तो उसका साइन माइनस यहाँ पर ले लिया है। यहाँ दोनों नंबर सेम है, सेम साइन है, तो यहाँ बस रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों को एक्चुअली ऐड करने से आएगा, सेम साइन तो एक्चुअल ऐड करेंगे और बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में जो साइन लगाएंगे वो न्यूमेरिकल लार्जर नंबर का लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन कभी कभी लिखा हुआ नहीं होता है, तब भी हमें अपने आप समझना है कि कहाँ प्लस साइन है। तो कभी भी दो इंटीजर्स को ट्रीट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनके साथ कौन से साइन लगे हुए हैं, दोनों में सेम साइन लगे हुए हैं तो हम उनको कंबाइन करते समय एक्चुअल ऐड कर देंगे, दोनों में अपोजिट साइन लगे हुए हैं तो उनको कंबाइन करते समय हम सेपरेट कर देंगे, और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो फाइनल साइन आएगा, ये जो चिन्ह आएगा प्लस या माइनस का, वो प्लस या माइनस का साइन यहाँ न्यूमेरिकल जो लार्जर नंबर है उसके अकॉर्डिंग तय होगा। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हमें 18 और 23 को ऐड करना है, तो जो प्रोसेस अभी मैंने समझाया उसको फॉलो करना है। तो यहाँ इसके 18 के पीछे साइन लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ हम प्लस लेंगे तो ये दोनों का सेम साइन हो जाएगा प्लस प्लस, तो हम इनको एक्चुअली ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने पर आया 41, और साइन जो लगेगा वो इनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर 23, इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, जो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि 41 के पहले प्लस का साइन है। सिमिलरली 45 - 27, तो यहाँ देखिए 45 के पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस है या माइनस है तो अपोजिट साइन होने से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 45 - 27 एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ रहा है हमारे पास 18, और जो फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें जो साइन लगेगा वो इस 45 के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि 45 इन दोनों में से न्यूमेरिकली लार्जर नंबर है। तो यहाँ प्लस, तो यहाँ भी हमारे पास प्लस ही लगेगा, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने इसको केवल 18 लिखा है। सिमिलरली 27 - 45 यहाँ अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस या माइनस तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, और जो फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें जो साइन लग रहा है वो न्यूमेरिकली लार्जर नंबर 45 का जो साइन है वो यहाँ हमने लगाया है। सिमिलरली यहाँ देखिए दोनों का सेम साइन है, तो हम इनको ऐड करेंगे, एक्चुअल एडिशन होगा, तो ये 25 और जो साइन लगेगा वो जो 13 है न्यूमेरिकल लार्जर नंबर उसका साइन आएगा। जब दोनों साइन सेम है तो हमें कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, हमें सीधे सीधे हम साइन लगा सकते हैं। आगे देखिए 16 - 19, तो इसमें भी जो है इसका प्लस है इसका माइनस है तो अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होने से एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो न्यूमेरिकल लार्जर नंबर है 19 इसका साइन हम -1 यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से हम जब भी दो इंटीजर्स को कंबाइन करना होगा तो उनके साइन के अकॉर्डिंग हमें एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एडिशन करना होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमें जो है कौन सा साइन लगाना है वो भी हमें न्यूमेरिकल लार्जर नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अब मान लीजिए हमें दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे, मान लीजिए हमें ऐड करना है 5 और -8, 5 और -8 को हमें ऐड करना है तो हम लिखेंगे 5 और -8, -8 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, और चूंकि हमें ऐड करना है इसलिए हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैंने इस -8 को ब्रैकेट में रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ माइनस और ये प्लस बिल्कुल पास पास में आ जाते तो हमें कन्फ्यूजन होता, तो इस -8 के साथ ब्रैकेट लगाया है। इस 5 के पहले मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, 5 को ब्रैकेट में बंद नहीं किया है क्योंकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो फर्स्ट नंबर को लिखने में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाते हैं तब भी ठीक है। तो यहाँ 5 + -8, अब ये प्लस और माइनस जब एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं तो हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस जब कंबाइन होते हैं तो माइनस बनेगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 8। अब इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग 5 का साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ 5 का साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमें एक्चुअल में इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने से आया 3, और जो साइन लगेगा इसका यहाँ पर माइनस, ये माइनस साइन लगेगा इसमें से जो न्यूमेरिकल लार्जर नंबर है 8, इस 8 के अकॉर्डिंग यहाँ साइन लग रहा है तो ये हो गया -3। तो इस तरह से हमें इतना सोचना है, इस तरह से समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि एक भी अगर आपने साइन गलत लगा दिया तो पूरी मैथमेटिक्स कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है पूरा गलत हो जाता है। अब देखिए अगर हमें 12 और 19 को ऐड करना है तो ये तो सिंपल एडिशन हुआ 12 + 19, लेकिन यहाँ भी हमें सोचना है कि ये इसमें हमने इनको एक्चुअल में ऐड क्यों किया। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, जब सेम साइन होता है तो हम एक्चुअल में ऐड करते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड किया। और जो फाइनल 31 है उसमें जो सिंबल आ रहा है यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस का साइन इनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर 19 का जो साइन है प्लस वो आ रहा है, तो इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर भी, तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। और देखिए अगर हमें -7 और -4 को ऐड करना है तो वही ऐड करते समय ये -7 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, देखिए सब में प्लस का साइन बीच में लग रहा है, ये प्लस का साइन इस ऐड को डिनोट कर रहा है,
जब भी हमें ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन लगाना है। माइनस सेवन, इसको माइनस सेवन को ब्रैकेट में बंद नहीं किया, माइनस फोर को किया, क्योंकि माइनस फोर और प्लस पास पास आ जाते, माइनस वन और प्लस, माइनस और प्लस पास पास आ जाते, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया है। अब माइनस सेवन प्लस माइनस फोर, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस सेवन माइनस फोर, अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का सेम साइन है, इसलिए इन दोनों को एक्चुअल में ऐड करके 11 लिख देंगे, और उनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर सेवन का जो साइन है माइनस, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, माइनस 18 और 25 को ऐड करना है, तो माइनस 18 लिखा, फिर ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगाया, फिर 25 को लिख दिया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया, जबकि इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, यहाँ भी ब्रैकेट में बंद किया है, यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हुई, यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब देखिए इनके अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो हम एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 माइनस 18 7 हो गया, और इनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर 25 है, तो इसका साइन प्लस मैंने यहाँ लगा दिया है। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे। अब हमें मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करना है दो इंटीजर्स का, मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 फ्रॉम माइनस 8, तो इस माइनस 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 8 पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस, और यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है, 5 के पहले यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस और ये जो प्लस है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 8 माइनस 5, इसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम एक्चुअल में ऐड कर देंगे 13, और इनका जो इनमें से न्यूमेरिकली लार्जर नंबर यहाँ पर 8 है, तो उसका साइन यहाँ पर हमने लगा दिया है माइनस। तो इस तरह से माइनस 8 और माइनस 5 मिलाकर यहाँ कम्बाइन होने के बाद ही हो गया माइनस के 13। तो जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 8 में से, तो हमारा आंसर आता है माइनस के 13। सिमिलरली देखिए सब्ट्रैक्ट 12 है फ्रॉम 19, तो हम 19 को लिखेंगे पहले, फिर 12 है जिस को सब्ट्रैक्ट करना है, 12 को सब्ट्रैक्ट करना है 19 में से, पहले यहाँ लिख दिया, और चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है माइनस साइन लगाना है, जैसे यहाँ लगाया, फिर 19 माइनस 12 है, तो ये तो आसानी से हम कर सकते हैं, और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि इसके साथ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो अपोजिट साइन होने से हमने इनको एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट किया, और लार्जर नंबर 19 है, तो इसका साइन यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी हमने प्लस लगा दिया है, तो जो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और देखिए अगर हमें माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 4, तो पहले माइनस 4 लिखेंगे, और यहाँ माइनस 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको बाद में लिखा है, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगा है। जब भी माइनस और माइनस दो सेम साइन एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 4 है, और ये हो गया प्लस का 7। और अब यहाँ अपोजिट साइन है, तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम एक्चुअल में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 और माइनस 4, 7 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, और इनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर 7 है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे, जो यहाँ पर आवश्यक नहीं है लगाना, इसलिए हमने नहीं लगाया है, तो ये प्लस 3 ही है। और देखिए माइनस 18 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 25, तो 25 माइनस, और ये माइनस 18, ये माइनस सिंबल यहाँ जो आ रहा है, ये इस सब्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, ये इस 18 का साइन है, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को शो कर रहा है। अब ये माइनस माइनस इकट्ठे हो गए, तो इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस हो गया प्लस 18, ये 25 प्लस 18 हो गया, दोनों का सेम साइन है, इसलिए हम एक्चुअल में ऐड करके 43 लिख देंगे। इनमें से न्यूमेरिकल लार्जर नंबर 25 है, 25 का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस ही आया है, तो ये प्लस 43 आंसर हो गया। इस तरह से हम इंटीजर्स को सेपरेट करेंगे। अब अगर हमें दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे रूल ये रहेंगे कि जब भी दो इंटीजर्स का साइन सेम होगा, तो हम प्लस आए, वहाँ प्लस आएगा, आंसर रिजल्ट में प्लस आएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या है, दो इंटीजर्स सेम साइन है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस आ रहा है। और दो इंटीजर्स अगर अपोजिट साइन के होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। तो ये हमारा रूल है, जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रूल्स को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए हमें 5 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और माइनस 8 मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 8 इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 40, और इनमें से यहाँ देखिए इसका साइन यहाँ पर दिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस का है, तो प्लस 5, तो यहाँ प्लस साइन है या माइनस है, और प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस, इसलिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस, तो फाइनल रिजल्ट में माइनस आता है। तो 5 इंटू माइनस 8 विल बी इक्वल टू माइनस 40। सिमिलरली व्हेन वी वांट टू मल्टीप्लाई 5 बाई 8, देन वी हम यहाँ देखते हैं कि जो 5 और 8 है, इन दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो जो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आता है, इसलिए फाइनल आंसर में प्लस ही आएगा, और इनको 5 और 8 न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 40 आ रहा है। तो इस तरह से 5 और 8 व्हेन मल्टीप्लाइड विद ईच अदर वी गेट प्लस 40। सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस 5 विद 8, देन माइनस 5 इंटू 8, हियर माइनस साइन इज देयर बिफोर 5 एंड प्लस साइन इज बिफोर 8,
and when minus and plus multiplied with each other, we get minus sign. So in the final result, minus sign will be there. And when we multiply numerical value of these two integers 5 and 8, we get 5 into 8 is equal to 40. So final answer is equal to minus 40. So this will be the answer when we multiply minus 5 with 8. Now next question, suppose we want to multiply minus 5 with minus 8. Since here both the numbers are negative, so when we multiply them, the final answer will have positive sign, because minus and minus, when minus is multiplied with minus, we get plus. So in the final result we get plus sign, and numerical values 5 and 8 when multiplied, we get 40. So in the result we get 40. In this way we multiply two integers. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो आता है. जैसे मान लीजिए कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आएगा. कोई वो इंटीजर्स भले ही कितना ही बड़ा हो, उसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ही जीरो आएगा. तो वेन एवर एनी नंबर, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा हो, वेन इट इज़ मल्टीप्लाइड विद जीरो वी गेट जीरो. सिमिलरली एनी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो वी गेट जीरो, वट एवर द नंबर बी. इट मे बी वेरी लार्ज नंबर, सपोज 23,698, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जीरो ही आएगा. तो किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो आता है, ये आपको ध्यान रखना है. अब देखिए, दो इंटीजर्स को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं, पहले इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर्स से डिवाइड करें, तो उसमें हम किस तरह से करेंगे और किन रूल्स को ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पर भी जो साइन का रूल है वो ये है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में था वैसा ही यहाँ होगा. अगर दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा. जैसे यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस है तब भी प्लस आएगा. व्हेन टू इंटीजर्स आर ऑफ अपोजिट साइन एंड दे आर डिवाइडेड, वी गेट द नेगेटिव नंबर इन द आंसर. व्हेन एवर अपोजिट साइन इज देयर, देन वी गेट नेगेटिव, और इफ द सेम साइन प्लस प्लस और माइनस माइनस, वी गेट पॉजिटिव साइन इन द आंसर. तो ये रूल्स हमें ध्यान में रखते हुए अब हम लेते हैं. मान लीजिए 21 को 3 से डिवाइड करना है, तो 21 इज डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 7. हियर वी सी दैट 21 एंड 3 बोथ हैव प्लस साइन बिफोर द नंबर. कोई भी नंबर अगर साइन लिखा हुआ नहीं तो उसके पहले प्लस का साइन होता है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस, तो व्हेन प्लस इज डिवाइडेड बाय प्लस, वी गेट प्लस साइन. तो इन द आंसर वी गेट प्लस. तो यहाँ पर 7 के पहले प्लस का साइन ही है, ये हम करते आ रहे हैं. लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस और प्लस होने की वजह से फाइनल आंसर में भी प्लस आ रहा है. बाकी जो डिवीजन है नॉर्मल तरीके से ही होगा. 21 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो यहाँ 7 आ रहा, 3 7 जा 21. नेक्स्ट देखिए, अगर माइनस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा. तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करने पर 7 तो आना है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस यहाँ ये देखिए कि 21 का जो साइन है वो माइनस है, यहाँ 3 का साइन प्लस है. तो व्हेन दिस माइनस इज डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, वी गेट माइनस साइन, बिकॉज दिस टू साइन आर ऑफ अपोजिट नेचर. सो इन द फाइनल आंसर वी गेट नेगेटिव साइन. और बाकी जो डिवाइड करना है वो तो सिंपल है ही. सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड माइनस 21 बाय माइनस 3, हियर बोथ द इंटीजर्स आर हैविंग सेम साइन. सो व्हेन एवर सेम साइन इज देयर, वी गेट पॉजिटिव साइन इन द फाइनल आंसर. सो माइनस 21 व्हेन डिवाइडेड बाय माइनस 3, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विल बी द सेम. 21 डिवाइड बाय 3, वी गेट 7. और यहाँ जो साइन लगाएंगे वो हम माइनस माइनस, तो जब माइनस माइनस को माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा. तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, इस तरह से करेंगे. और देखिए, जब हम 21 को माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमेरिकल आंसर तो वही है, 7 ही है, क्योंकि सब में 21 3 नंबर्स ही नज़र आ रहे हैं. बस यहाँ ये ध्यान रखना है साइन कैसे लगाना है. तो यहाँ चूंकि प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, 21 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. तो जब भी प्लस और माइनस साइन है तो फाइनल आंसर में माइनस आना है. तो इस तरह से हमें दो इंटीजर्स को डिवाइड करना है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक छोटा सा साइन अगर आपने ढंग से नहीं लगाया तो आपका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो एंटायरली रॉन्ग हो सकता है. तो इसको आपको ध्यान रखना है. अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो ऐसा डिवीजन नॉट डिफाइन होता है. ये आपको याद रखना है कि वेन एवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, देन द आंसर इज नॉट डिफाइन.
आंसर कभी भी डिफाइन नहीं होता। तो जीरो से आप डिवाइड जब भी आ जाता है तो आप नॉट डिफाइन लिखेंगे सीधे ही। जैसे मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाय 0 है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, -13 डिवाइडेड बाय 0 है तब भी वो नॉट डिफाइन होगा। इवन इफ़ वी डिवाइड 0 बाय 0 दिस विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर तो इट इज़ ऑलवेज जीरो। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए जीरो है और एक उसको नॉन जीरो नंबर से, अभी हमने देखा था कि अगर यहाँ नॉन जीरो हो और यहाँ जीरो हो तब तो नॉट डिफाइन, लेकिन अगर यहाँ जीरो है और बाद में जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो है, यानी ये न्यूमरेटर पार्ट है ये डिनोमिनेटर पार्ट है, तो न्यूमरेटर व्हेन डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर इज जीरो एंड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो देन दी फाइनल आंसर विल बी जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए जीरो को अगर आप 23 से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, जीरो को हम अगर -5 से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। तो ये जो भी इंटीजर्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन अगर कभी भी आपको होता है, वेन एवर यू गेट कन्फ्यूज्ड वाइल डीलिंग विद इंटीजर्स, जब भी आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ इंटीजर्स आ जाते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको इस कन्फ्यूजन्स, जब भी कन्फ्यूजन होता है इंटीजर्स को डील करते समय, तो इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप बार बार वॉच करें ताकि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।